या तो नीतीश कुमार देश के सबसे लाचार मुख्यमंत्री हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। वो लाचार हैं, नौटंकी कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री को अगर मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है तो उनको हटा देना चाहिए, अगर इतना हिम्मत नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि जिस राज्य में कोई मंत्री अपने मुख्यमंत्री की बात ना सुने वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री गिरिराज सिंह। आप लोग सोच लीजिए, आपके बात देखिए, बिहार की सरकार एक तरह से सत्ता की सरकार है। ये आपसी मेलजोल या तो नीतीश कुमार देश के सबसे लाचार मुख्यमंत्री हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे, छोड़िए इस सब बात को, और नीतीश कुमार कह रहे हैं गलत, जदयू के लोग कह रहे हैं कि वापस लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि देश का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री जो सत्ता के लिए गठबंधन करके अब चल रहे हैं और देश में क्या एनडीए, यहाँ एनडीए की सरकार नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई, चाहे आरजेडी हो चाहे जदयू हो, भारत के सनातन धर्म को अपमानित करने का कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और नीतीश को मैं तो मानता हूँ, या तो नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं या वो लाचार हैं, नौटंकी कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री को अगर मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है तो उनको हटा देना चाहिए, अगर इतना हिम्मत नहीं है तो मैं समझूंगा कि नीतीश कुमार के सह पर हो रहा है या नीतीश कुमार लाचार है। लेकिन जदयू के मंत्री तो, जदयू के नेता तो खुद ही इन्हें माफी मांगना चाहिए, गलत बयान दे। तब इसका मतलब नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं, सत्ता के लिए हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जिस मुख्यमंत्री की बात मंत्री ना सुने। लेकिन दादा आज तो भाजपा कह रही है कि सेना पे भारतीय जनता पार्टी हमला करवाती है चुनाव जीतने के लिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा हो सकता है, सेना को अपमानित कर सकते हैं, सेना को गाली दे सकते हैं। भारत का कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति, राष्ट्रवादी पार्टी ऐसा नहीं करता। केसीआर ने जो बैठक बुलाई और तेजस्वी यादव को अलग कर दिया, आपने पटना में ही देखा कि केसीआर ने नीतीश कुमार उठ बैठ करा रहा था, यानी अपोजिशन में कितने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं अभी यही तय नहीं हुआ है, इसीलिए केसीआर इनको नहीं बुलाया क्योंकि वो भी एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। अब सम्राट बीजेपी में बड़े फेरबदल की भी तैयारी चल रही है, खबरें आ रही हैं। नोटिस दे दिया है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, उससे फर्क क्या पड़ता है? जिस तरह की स्थिति बिहार में बनी हुई है उससे स्पष्ट। तो सुना आपने कि किस तरह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में कदम रखते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल कोटे के मंत्रियों के बयानों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। जिस राज्य में कोई मंत्री अपने मुख्यमंत्री की बात नहीं सुने वहां तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने राजद कोटे के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग ही सेना पर सवाल उठा सकता है या सेना को कटघरे में खड़ा कर सकता है। बता दें आपको कि सुरेंद्र यादव ने कहा था कि चुनाव आता है तो भाजपा सेना पर हमला करती है, जिसको लेकर मंत्री गिरिराज सिंह ने अब ये तीखी प्रतिक्रिया दी है।